सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। पिंकी देवी, क्या शिकायत लेके आई हो पिंकी? खेती मेरे पति को शराब पिवा कराए ली नशे में, और खेती ससुर के नाम निकल रही, पता नहीं कैसे कराए ली, बैनामा कैसे कराए लो। बैनामा हो गया है? बैनामा हो गया। कितनी जमीन थी? 88 डिसमिल। और किसने कराई है? अरविंद कुमार साक, मनोज यादव गांव के हैं, मनोज कुमार यादव और अनुज कुमार चतुर्वेदी। तो क्या शिकायत लेके आप रही हो, क्या शिकायत करने? अब हम इतनी खेती थी साहब, मैं क्या करूं, क्या खाएं, बच्चे कहाँ लई हैं, अब ससुर के नाम खेती है, फिर भी पता नहीं कैसे बैनामा कराए लो। अब कहते हैं तो धमकियां देते हैं मारने के लिए। क्या करते थे? रास्ता में घेरा कल, और शाम को फोन किया कि क्या कर दोगे, सबरी खेती करा लिए, ना पैसा देंगे ना खेती देंगे। पति क्या करता है? पति कुछ नहीं करता, देवरी एवरी कत। क्या चाहती हो? हम का साहब चाहत, हम तो अपनी खेती ही चाहत, और का चाहत, अपनी मजूरी कर का तू खाया, बच्चा पले हैं। किससे शिकायत कर ले? हम शिकायत डीएम साहब तक बताओगी, हम वहीं आए डीएम साहब से आ जा। वसीयत सर हुई नहीं, वसीयत विरासत से ट्रांसफर नहीं हुई और बैनामा हो गया, तो क्या मामला था ये? इसमें पिंकी पत्नी अमित कुमार छिबरामऊ की तहसील की रहने वाली है, इसने एप्लीकेशन इस आशय का दिया है कि जमीन उसके ससुर के नाम है, वो मृतक हो चुके हैं, उसकी वरासत भी नहीं हुई, लेकिन उसके पति ने इस जमीन को बेच दिया। उसने ये भी आरोप लगाया है कि उसको कुछ लोग दारू वरू पिला करके बैनामा करा लिए, बिना प्रतिफल के करा लिए, और जान से मारने की उसको धमकी दी है। तो प्रकरण जो है सीओ छिबरामऊ को संदर्भित किया गया है, जाँच करके रिपोर्ट आएगी उसके। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।